Hey guys, this is Pooja and you're watching me on Housewives Diary. और आज की हमारी जो रेसिपी है वो है बनाना चिप्स। आज फ्रेंड्स हम कच्चे केले से चिप्स तैयार करेंगे जो खाने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ये घर पे बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बनाते हैं बनाना चिप्स। बनाना चिप्स बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए होंगे कच्चे केले, ऑयल फ्राई करने के लिए, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी। सबसे पहले हम केले को पील ऑफ कर लेंगे, यानी कि हम केले का छिलका निकाल देंगे। केले को पील ऑफ करने के बाद में फ्रेंड्स अब हम केले के चिप्स निकालेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं चिप्स पहले निकाल के रख रही हूँ। आप अगर चाहें तो डायरेक्ट ऑयल गरम करके उसके ऊपर चिप्स डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है, इसलिए मैं पहले चिप्स निकाल रही हूँ। आपको फ्रेंड्स सारे केले के चिप्स को बहुत जल्दी निकालना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, नहीं तो केला जो होता है वो काला होना चालू हो जाता है। यहाँ पर हमारे सारे केले के चिप्स बन गए हैं। अब मैं 1 टेबल स्पून नमक में थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और नमक को अच्छे तरीके से पानी में डिजोल्व कर दूंगी। अब यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो गया है, आप हाथ से देख सकते हैं चेक करके, ऊपर अगर आँच आ रही हो तो आप समझ जाइए ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें बनाना चिप्स फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स बनाना चिप्स हमें मीडियम हाई इस फ्लेम पर रखकर ही फ्राई करना है। अब हम ऑयल में जो हमने नमक का पानी तैयार किया था थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया हुआ है ताकि फ्रेंड्स तेल जो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है वो हल्का सा ठंडा हो जाए और जो बनाना चिप्स हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी बने, इस वजह से हम यहाँ पे तेल में पानी ऐड कर रहे हैं। जब आप फ्रेंड्स देखेंगे पानी डालने पर तेल में से गड़गड़ाहट आने लगती है, जब वो गड़गड़ाहट खत्म हो जाए एट दैट स्टेज आपको चिप्स को बाहर निकाल लेना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं तेल में हल्दी डालकर चिप्स फ्राई करूंगी। इससे चिप्स का कलर जो होता है वो येलो कलर का आता है। आपने देखा होगा मार्केट में जो बनाना चिप्स मिलते हैं वो हल्के से येलो कलर के होते हैं, तो इसलिए बाजार जैसा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे तेल में हल्दी ऐड करी हुई है। फ्रेंड्स हल्दी ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर आप उसे छोड़ना चाहें तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। केले के चिप्स बनाते समय फ्रेंड्स बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको केले काटकर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, नहीं तो केले जो होते हैं वो बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। अब हल्दी वाले चिप्स में भी मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर हमारे चिप्स के अंदर से तेल में जो गड़गड़ाहट होती है वो होना चालू हो गई है। हमें लगातार चलाते हुए चिप्स को फ्राई करना है फ्रेंड्स। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे तेल के अंदर जो पानी डालने से गड़गड़ाहट पैदा हुई थी वो अब खत्म हो गई है। अब मैं चिप्स को एक पेपर टिश्यू में निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हल्दी डालने से चिप्स का कलर हल्का सा येलो हो गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे दोनों ही तरीके के चिप्स बनकर तैयार है। ये वो वाली चिप्स हैं जिसमें मैंने हल्दी ऐड नहीं की है, आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। और ये हल्दी वाले चिप्स हैं, ये हल्के से पीलापन लिए हुए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। फ्रेंड्स इसमें आपको अब कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नमक का पानी हमने ऐड किया था, इसलिए ये ऑलरेडी नमकीन है। यहाँ पर मैंने सर्विंग प्लेट में चिप्स को लगाकर रेडी रखा हुआ है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे बनाना चिप्स बनकर तैयार हैं। अगर फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसको हमेशा की तरह लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। उसके साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। मैं फिर आपसे मिलूंगी किसी दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग।